हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा विशाल 509 में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है CSIR, इसकी एक कंपनी है सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें वैकेंसी निकली है। तो ये जो वैकेंसी है ये 3 जगह के लिए है। सबसे पहली है कोलकाता, दूसरी है नरोदा गुजरात और तीसरी है खुर्जा यू उत्तर प्रदेश। तो इन 3 जगह पर वैकेंसी निकली है। अब वैकेंसी की जो लास्ट डेट है वो है 31 मई 2022। और इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो टेक्नीशियन की पोस्ट है, और टेक्नीशियन की पोस्ट में यहाँ पर सभी अलग अलग ट्रेड की पोस्ट है, जिसमें कि सबसे पहले आप देख सकते हैं पोस्ट कोड लिखा गया है, इसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट लिखी गई है, इसके बाद कैटेगरी वाइज पोस्ट लिखी गई है। बाद में आप अगर देखें तो लेवल लिखा है, जो कि पे लेवल कितने आपको सैलरी रहेगी, और उसके बाद एज लिमिट लिखी गई है, और सबसे लास्ट में यहाँ पर थर्ड नंबर वाला जो पॉइंट है इसमें लिखा गया है कि क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए लिखा गया है 10वीं पास या इसके समकक्ष, और साथ में आपको ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर ट्रेड में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा अगर यहाँ पर देखें तो केमिकल प्लांट में यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से ITI होना चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए। इसी तरह से इसके आगे हम देखें यहाँ पर तो टूल एंड डाई मेकर या मशीनिस्ट ट्रेड से ITI, और इसके बाद पोस्ट कोड T06 में हम देखें तो ड्राफ्ट्समैन से ITI होना चाहिए। इसके बाद 7 नंबर पर अगर हम देखते हैं तो 7 नंबर पर लिखा गया है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस में यहाँ पर कंप्यूटर का जो डिप्लोमा है या फिर ITI है वो होना चाहिए, या फिर इसके साथ में लिखा है कि अप्रेंटिस होना चाहिए आपकी फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस से। इसके बाद नेक्स्ट 8 नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का दिया है, और उसके बाद 9 नंबर पर दिया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो कोपा ट्रेड होती है उसके बारे में। नेक्स्ट 10 नंबर पर देखते हैं तो मशीनिस्ट ट्रेड, और इसके बाद 11 नंबर पर हॉस्पिटल अटेंडेंट एंड केटरिंग। इसके बाद 12 नंबर की देखते हैं तो यहाँ पर केमिकल प्लांट से आपकी यहाँ पर ITI होनी चाहिए, और नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, और इसी के साथ में आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको 2 साल का। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं तो यहाँ पर TA02 जो उसमें लिखा गया है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, और उसके साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तीसरा अगर देखें तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और उसी के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट जो है इसमें सिविल इंजीनियरिंग, और TA05 में देखें तो सेरामिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, उसके बाद TA06 में कंप्यूटर साइंस के बारे में लिखा गया है, और TA07 में केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में, और TA08 में BSc और इक्विलेंट यानी कि BSc आपके पास होनी चाहिए, और इसी के साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें 9 नंबर पर तो BSc और इसके समकक्ष आपकी योग्यता होनी चाहिए, एंड आपको BLIB साइंस या फिर लाइब्रेरी से आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर टोटल 11 तो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट निकली गई है, और सभी की क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन एंड कंडीशन दी गई है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सारी क्वालिफिकेशन लास्ट डेट जो रखी गई है उस डेट तक कम्प्लीट हो जानी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो लिखा गया है इसके बारे में लिखा गया है कि अप्लाई आपको कैसे करना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको CGCRI.RES.IN की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और 500 रुपये की फ़ीस आपकी यहां पर लगने वाली है जो कि आपको ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करनी है। और इसके बाद नेक्स्ट इसके आगे दिया गया है कि सिलेक्शन होने वाला है तो मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर टेक्नीशियन, तो टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो किस टाइप से होगा इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है,
और इसके बाद यहाँ पर आगे हम देखते हैं तो मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर टेक्निकल असिस्टेंट, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो आप इसकी वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप इसकी शैक्षणिक योग्यता को पूरा करते हैं और आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी थोड़ी जो जानकारी है वो मैंने ऊपर ऊपर से आपको दे दी है, और सारी जानकारी अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए इतना ही वीडियो आपके लिए, और बाकी की जानकारी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।